दोस्तों, अगर आपके भी लव वर्ड या बजी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है या पाँव में कोई मोच आ गई है जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा इलाज बताऊंगा जिससे कि घर बैठे ही आप लोग जो बजी है या जो लव बर्ड है उसका आप लोग इलाज कर सकेंगे। ये मेरा एक लव बर्ड है जिसके एक ही पाँव में फ्रैक्चर हो गया था और इसका मैंने इलाज किया। ट्रीटमेंट के लिए आपको स्टील की ऐसी एक कोली लेनी है, तो कोली के अंदर आपको 1 टीस्पून नमक ऐड करना है, साल्ट ऐड करना है, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करनी है यानी कि टर्मेरिक ऐड करनी है, और बाद में आपको 1 टीस्पून जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, वो आपको इसमें ऐड करना है, और उसके बाद इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो जो आपने ये सॉल्यूशन बनाया है, जो घोल बनाया है, इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो भी आपने इसमें ऐड किया है उसको आप लोग अच्छे से मिक्स कर लें और एक पतला सा सॉल्यूशन बना लें। ये देखिए, ये बन गया मेरा लेप। तो ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन को आपने पक्षी की टांग है जिसमें कि मोच आई है या फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पर आपको धीरे धीरे ये जो लेप या सॉल्यूशन बनाया है इसको आपको वहाँ पर लगा देना है। ध्यान रखिएगा कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है इसको आप हल्के हाथों से पक्षी के ऊपर लगाएं और पक्षी को भी आप हल्के हाथों से पकड़ के रखें, क्योंकि अगर आपने पक्षी को ज़ोर से पकड़ा तो पक्षी घबरा सकता है और ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो पक्षी को आप प्यार से पकड़ें। ये देखिए, ये लेप मैंने पक्षी को लगा दिया है, तो पक्षी को अब हम वापस उसके पिंजरे में छोड़ देंगे। तो ये जो ये इलाज है ये आपको 7 से लेकर 10 दिन करना है, तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो पक्षी की टांग होती है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी और जो आपका पक्षी है वो चलना फिरना भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।